चक्रवाती तूफान मिचोंग तेजी से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है। चेन्नई में इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि सड़कों पर गाड़ियां नाव की तरह बहती दिखाई दे रही हैं। 5 दिसंबर की दोपहर तक मिचोंग तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। तूफान की टक्कर से पहले ही पूर्वी तट के 5 राज्य अलर्ट मोड पर हैं। बता दें कि नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच ये तूफान जमीन से टकराएगा, जिसके बाद इसकी गति में कमी आ जाएगी। चेन्नई में भारी बारिश के कारण 12 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, वहीं कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। साथ ही स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की गई है। चेन्नई में भारी बारिश के चलते 5 लोगों की भी जान चली गई है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों को राहत उपाय करने के लिए हाई अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। भीषण चक्रवाती तूफान के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जिलों, जिसमें तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कौनसीमा और काकीनाडा के लिए अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के कारण चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे एवं सबवे में भी पानी भर गया, जिसके चलते फ्लाइट्स प्रभावित हैं और कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी भी तूफान को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बापटला कलेक्ट्रेट ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए हर जरूरी उपाय किए हैं। चक्रवात के चलते अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया, साथ ही 24 घंटे हालात के कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम के साथ मेडिकल कैंप भी बनाए गए हैं। वहीं NDRF ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी के लिए 18 टीमें तैनात की है। 10 अतिरिक्त टीमों को भी तैनात रखा गया। बता दें कि मिचोंग तूफान 3 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे चेन्नई के तटीय इलाकों से टकराया था। इसके बाद 4 दिसंबर की रात से ही तमिलनाडु के 11 जिलों में भयंकर बारिश हो रही है। अब ये तूफान यानी कि 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में एंट्री करने वाला है, वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में तूफान 6 दिसंबर तक अपना असर दिखाएगा। इसके बाद 7 दिसंबर को मिचोंग तूफान पश्चिमी बंगाल के कई जिलों में तबाही मचा सकता है, जिसमें मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, परगना, कोलकाता, हावड़ा और हुबली शामिल रहने वाले हैं। बहरहाल इस तूफान पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।